भूमिका मेहता। आज क्या पढ़ने वाले हम पढ़ने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये हमारा 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर है बच्चा, जिसमें से हमने इसके पहले वाले सेशन में ऑलरेडी प्रोकैरियोटिक सेल खत्म किया है। अब यूकैरियोटिक सेल क्योंकि बड़ा है, मैंने इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। इस वाले सेशन में हम यूकैरियोटिक सेल का मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, ठीक है, इतनी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले यूकैरियोटिक सेल क्या रहेगा, उसका सेल मेम्ब्रेन कैसा रहेगा एंड उसका सेल वॉल कैसे रहेगा, ये डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो शुरू करने से पहले बच्चा लोग वेदांत नीड मेडिसिन को फटाफट से क्या करोगे, सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट करोगे ताकि नोटिफिकेशन टर्न हो जाए ऑल पे, ताकि जब जब हम लाइव आए आपके दिल की घंटी बजती रहे। ठीक है, तो चलो बच्चा लोग, जितना भी हम पीडीएफ नोट्स देने वाले हैं, उस पीडीएफ नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना जरूरी है। सो डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल विद द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उसी के साथ बच्चा लोग, टर्म वन नजदीक आ रहा है आपका, और इसी टर्म वन के लिए बच्चा वेदांतु आपके लिए वेव के पेड प्लेटफॉर्म पे क्या लेके आया है, क्रैश कोर्स। पेड प्लेटफॉर्म पे क्या क्या बेनिफिट्स होंगे ये तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन क्रैश कोर्स का क्या बेनिफिट होगा, क्रैश कोर्स का ये बेनिफिट होगा कि आपको वहां पर पूरा टर्म वन, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी, PCMB, चारों सब्जेक्ट्स कवर किए जाएंगे। उसका पूरा टर्म वन का सिलेबस कवर किया जाएगा। सिलेबस होने के बाद उसका रिवीजन कोर्सेज भी होगा, और हर एक चैप्टर खत्म होते होते उनके जो बेसिक चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे वो भी होंगे, और पूरा सिलेबस होने के बाद पूरे सिलेबस का भी टेस्ट होगा। इसी के साथ साथ सिंगल सिंगल चैप्टर के टॉपिक स्पेसिफिक शॉर्ट कोर्सेज का भी आपका अवेलेबिलिटी रहेगा, और स्कूल एग्जाम्स के लिए बेहतरीन तरीके से आपको प्रिपेयर किया जाएगा। और कुछ चाहिए तो हमने बोला यस। हर लेक्चर के बाद आपको असाइनमेंट्स भी मिलेंगे, और जितने भी आपके टेस्ट होंगे उनके टेस्ट रिपोर्ट्स एक्यूरेसी लेवल के साथ आता है, मतलब आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, फिजिक्स में कितने, केमिस्ट्री में कितने, बायो में कितने, कितने करेक्ट थे, कितने इनकरेक्ट थे, कितने स्किप किए, क्या आपका एक्यूरेसी रेट था, कौन से कॉन्सेप्ट्स आपके वीक है, कौन से कॉन्सेप्ट्स आपके स्ट्रांग है, कहाँ आप अटक रहे हो, सिंपल क्वेश्चंस में अटक रहे हो, मॉडरेट में या डिफिकल्ट वन में, ये सब कुछ आपको वहां पे बताया जाएगा। और इसी के साथ साथ बच्चे लोग, आपके पास दो प्लान है चूज करने के लिए, वन इज लाइट एंड सेकंड इज क्लासिक। अगर मेरी मानो तो क्लासिक सिलेक्ट करो, क्योंकि लाइट की फीस देखो कितनी दिख रही है आपको, 2700। अब ये देखो क्लासिक की फीस, क्लासिक की फीस भी सेम है, दैट इज 2700। तो जब दोनों जगह फीस सेम है, और क्लासिक में आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज है, मतलब लाइव इंटरक्टिव वन टू वन कोचिंग भी होगा, टेस्ट सीरीज भी होगा, एनालिसिस रिपोर्ट्स भी मिलेंगे, असाइनमेंट्स भी मिलेगा, नोट्स भी मिलेगा, और ड्यूरिंग द सेशन क्लास टीचर और मास्टर टीचर की मदद से डाउट सॉल्विंग भी होगा। ठीक है, अब ये सारी चीजें आपको जो हमने अब तक बताई वो आपको लाइट में भी मिलेगा और क्लासिक में भी मिलेगा। डिफरेंस आफ्टर द सेशन एंड बिफोर द सेशन, मोबाइल ऐप पे डाउट सॉल्विंग विद द हेल्प ऑफ डाउट एक्सपर्ट्स, ये आपको लाइट में नहीं मिलेगा, ये आपको क्लासिक में मिलेगा। जब दोनों जगह फीस सेम है तो क्यों हम 2700 में लाइट ले, हम क्लासिक ही ले लेंगे। ठीक है, और बच्चा लोग याद रखना कूपन कोड क्या रहेगा, BM Pro, ये ऑलरेडी लगा हुआ है इन द लिंक दैट इज गिवन टू यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, 10,000 फीस है बच्चा, बट BM Pro कूपन कोड लगाने के बाद इट बिकम्स 2700 ओनली, सिंपल। सो अगर आपको नीट 2022 के लिए बैच लेना है, अगर आपको ड्रॉपर का या रिपीटर का बैच लेना है जिसको हम बोलते हैं मंथन बैच, या अगर आपको 11th स्टैंडर्ड नीट के लिए बैच लेना है, या टर्म वन 12th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड टर्म वन, कोई भी कोर्सेस लेने, सबका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और सबके लिए कूपन कोड रिमेन सेम, दैट इज BM Pro। इसी के साथ बच्चा लोग, मैं आपको ये भी बता दूं यूकैरियोटिक सेल क्या रहेगा। यूकैरियोटिक सेल नाम से समझ गया, यू मतलब ट्रू, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, तो एक ऐसा सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस मिलेगा, जिसके डीएनए मटेरियल के आसपास या जेनेटिक मटेरियल के आसपास अच्छा खासा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, ऐसे सेल को हम बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोट के कंपैरिजन में वेल डेवलप्ड रहेंगे। कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में यूकैरियोटिक सेल दिखेगा, तो हमने बोला यूकैरियोटिक सेल इज सीन जनरली इन प्रोटिस्टा, विच इज यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट, फिर ये हमको दिखेगा इन फंगाय, प्लांटे एंड एनिमेलिया, ये होंगे हमारे मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट।
ठीक है, तो हमने क्या याद कर लिया, प्रोटिस्टा विल बी यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट, फंगाई प्लांट्स एंड एनिमल्स विल बी मल्टीसेल्यूलर यूकैरियोट। इन सब में क्या मिलेगा आपको, यूकैरियोटिक सेल, मतलब वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस वाला सेल। अब इसी के साथ बच्चा लोग, अगर आप प्लांट सेल देखो, एनिमल सेल देखो, क्या डिफरेंस दिखेगा? तो प्लांट सेल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको दिख रही है, सबसे पहले एक एक करके लेबल्स देखते हैं। न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, जो न्यूक्लियस के सेंटर में या आसपास कहीं मिल जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर। ये कैरेक्टरिस्टिक है कि भैया ये ट्रू न्यूक्लियस वाला सेल है, यूकैरियोट है, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूक्लियस के आसपास आपको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम मिलेगा। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या आएगा, सेल के अंदर वाले मेम्ब्रेन वाले सिस्टम, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जिसको हम प्यार से ईआर बोलते, जिसके दो टाइप जाएंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम आरईआर और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एसईआर, ठीक है। उसके अलावा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड होगा गॉल्गी अपैरेटस या गॉल्गी बॉडी, जो कैमिलियो गॉल्गी ने पहली बार डिस्कवर किया था, ठीक है। इसके साथ साथ इट विल ऑल्सो इंक्लूड योर वैक्यूल, ठीक है। तो वैक्यूल भी इंक्लूड होगा और लाइसोसोम्स भी इंक्लूड होगा, ये सब आ जाएगा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अलावा इफ यू सी, तो इनमें माइक्रोट्यूब्यूल मिलेंगे जो साइटोस्केलेटन का हिस्सा होगा, परोक्सीसोम्स मिलेंगे जो ऑक्सीडाइज करेगा केमिकल्स को, इसमें आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेगा जो फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करेगा, यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज प्लास्टिड्स। इसके अलावा यू विल ऑल्सो फाइंड समथिंग कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया, जो होगा हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल, राइबोसोम, जिसको हम बोलेंगे प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल, ठीक है। अब क्या अलग मिला आपको जो पहले नहीं था कहीं पे भी, ऐसा कुछ था तो हमने बोला नहीं, मतलब ये जो चीजें हमने नोट की अभी तक, ईआर, एसईआर, गॉल्गी बॉडीज, वैक्यूल या फिर प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सिर्फ और सिर्फ किसमें मिलता है, यूकैरियोटिक सेल। अब एक ऐसी चीज जो सिर्फ प्लांट सेल में मिलती है, बाकियों में नहीं मिलती है, वो होता है हमारा सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला। सेल वॉल और मिडिल लैमेला, स्पेशली सेल वॉल जो सेल्यूलोज से बना हो, और मिडिल लैमेला जो नेबरिंग दो सेल वॉल्स के बीच का स्ट्रक्चर होगा, ये आपको सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में मिलेगा, ठीक है। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे, स्पेशली हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज देख लेते बच्चा लोग, ये भी देख लेते क्या क्या पढ़ने वाले हम। तो हमने बोला वी आर गोइंग टू स्टडी टूडे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके, सेल वॉल, मिडिल लैमेला, इतनी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है, इनको हम अच्छे से देख लेंगे। और एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज प्लाज्मोडेस्माटा। नाउ व्हाट इज प्लाज्मोडेस्माटा, दो नेबरिंग सेल्स के बीच के कनेक्शंस को हम बोलेंगे प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। अब बच्चे लोग, अगर आप अच्छे से ध्यान दो तो प्लांट और एनिमल सेल में थोड़ा सा अलग होगा, जैसे कि माइक्रोविलाई, अगर आप देखो माइक्रोविलाई ये एनिमल सेल में मिलता है, प्लांट सेल में नहीं मिलता है। चलो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो दोनों में था, लेकिन सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में मिलता है, प्लांट सेल में नहीं मिलता है, इसीलिए एनिमल सेल के सेल डिवीजन को हम सेंट्रिक सेल डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। जबकि प्लांट सेल में असेंट्रिक सेल डिवीजन होता है, क्योंकि यहां पर सेंट्रियोल है और प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता है। नेक्स्ट, और कुछ अलग दिखा हमको, तो हमने बोला बाकी सारी चीजें तो सेम है प्लांट और एनिमल सेल में, दो अलग चीजें थी, दैट वाज माइक्रोविला एंड सेंट्रियोल। और एक चीज, यहां पर सेल वॉल नहीं होगा, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, मिडिल लैमेला नहीं होता है, प्लाज्मोडेस्माटा नहीं होता है। प्लाज्मोडेस्माटा के बदले अलग अलग चीजें होती है, जैसे गैप जंक्शन, अडियरेंस जंक्शन वगैरह। लेकिन आपको क्या याद रखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, यहां ना मिडिल लैमेला है ना सेल वॉल है, यहां माइक्रोविलाय है और सेंट्रियोल है, जो प्लांट सेल में नहीं होगा। इसके अलावा यहां पे आपको वैक्यूल्स मिल जाएंगे, लेकिन वैक्यूल कैसे होंगे, छोटे और टेम्पररी। लेकिन प्लांट सेल में बड़ा सा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है और वो परमानेंट होता है, ठीक है। चलो इसी के साथ बच्चा लोग हम आगे बढ़ते हैं टू यूकैरियोटिक सेल। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो हमको पता होनी चाहिए, यूकैरियोटिक सेल बोला मतलब इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होने चाहिए, जैसे कि पूरे सेल में कंपार्टमेंटलाइजेशन होगा साइटोप्लाज्म का। एज सिंपल एज, अगर समझो आपको मैंने एक प्लॉट दे दिया खाली सा, जिसको बस चार दीवार है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है, तो ये होता है प्रोकैरियोटिक सेल।
इन्हीं चार दीवार में आपने एक जगह अपना स्टडी टेबल रख दिया, एक जगह आपने गैस स्टव और वो सिलेंडर वगैरह एडजस्ट करके यूटेंसिल्स रख दिए, एक जगह आपने एक सिंगल बेड रख दिया, ये हो गया आपका घर, ठीक है। आपने कहीं कोई दीवारें नहीं बनाई है, इसको क्या बोलोगे? प्रोकैरियोटिक सेल, जहां सब कुछ है, स्टडी टेबल भी है, स्टडी रूम भी है, किचन भी है, लिविंग रूम भी है, बेडरूम भी है, लेकिन किसी के भी बीच में दीवारें नहीं है, सब कुछ उसी ग्राउंड पे है, उसी ग्राउंड सब्सटेंस में है, कोई सेपरेशन नहीं है, समझ गए? बट अगर आपको मैंने एक प्लॉट दिया, आपने प्लॉट में एक जगह दीवार बना के उस साइड किचन बना दिया, ये साइड पे बेड रखने के बाद उसके आसपास थोड़ी जगह छोड़ के एक और दीवार बना दी, जहां स्टडी टेबल था उसके आसपास आपने कांच के पूरे फ्रेम्स बना दिए, तो ये आपको क्या बता रहा है? ये कंपार्टमेंटलाइजेशन बता रहा है कि भैया आपने स्टडी टेबल के लिए जो जगह चुनी थी उसके आसपास आपने कंपार्टमेंट बना दिया, ताकि वो आपका स्टडी रूम है, वहां और कुछ नहीं होगा। जहां आपका किचन था वहां आपने दीवारें बना दी, ताकि वहां सिर्फ खाना पकेगा और कुछ नहीं होगा। आपने अलग से बेडरूम बना दिया दीवारें बनाने के बाद बेड के आसपास, मतलब वहां सिर्फ सोने का काम होने वाला है। तो हर एक चीज को उसके स्पेसिफिक काम के साथ आपने उसको एक कंपार्टमेंट दे दिया। वैसा ही अगर मैं बोलूं कि भैया डीएनए है लेकिन आसपास कुछ नहीं है, ना दीवार है ना कुछ है, तो वो था प्रोकैरियोटिक सेल, जहां कंपार्टमेंट्स नहीं मिलते। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में देखो, जहां डीएनए होगा उसके आसपास उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा उसको कवर करने के लिए, ओके। उसके अलावा इफ यू सी, जहां खाना बनने वाला था वो होगा आपका क्लोरोप्लास्ट, जिसके आसपास आपको अगेन एक मेम्ब्रेन मिल जाएगा। गॉल्गी बॉडीज, जहां पे इतने सारे सेल्यूलर मॉडिफिकेशन होने वाले, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एक्सेट्रा, उनके आसपास भी मेम्ब्रेन दिखेगा। मतलब जहां जो काम हो रहा है उसके साथ साथ उसके मेम्ब्रेन भी है, इसको हम बोलते हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन। तो साइटोप्लाज्म खुला नहीं होगा, अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, एक दूसरा कमरा, दूसरा कमरा, तीसरा कमरा, और हर एक का कंपार्टमेंट का, हर सेल ऑर्गेनल का अपना खुद का फंक्शन। तो जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होंगे सबके आसपास मेम्ब्रेन होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स मिलेंगे, ठीक है। न्यूक्लियस बहुत बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज होगा, उसके आसपास आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलेगा जो बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड होगा। प्लस डीएनए पैक होगा इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स, क्योंकि इनके पास हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, ट्रू क्रोमोसोम्स विल बी सीन। जबकि प्रोकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते, तो एक सिंगल कॉम्पैक्ट फॉल्स क्रोमोसोम दिखता है प्रोकैरियोटिक सेल में। अब आते हैं टू द नेक्स्ट पार्ट, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स आपको दिख सकता है इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। और क्या क्या लोकोमोटरी स्ट्रक्चर आपको दिख सकते थे? सीलिया, फ्लैजेला, सिंपल। नेक्स्ट, और कई कई बार वो भी होता है, सुडोपोडिया भी हो जाता है, तो वो भी मैं इंक्लूड कर सकती हूं यहां पे, सुडोपोडिया, ठीक है। नेक्स्ट, साइटोस्केलेटन, जैसे कि आपको यहां शायद इमेज में दिख जाए, साइटोस्केलेटन के नाम पे बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, ये फिर वो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये सब सारी चीजें प्रेजेंट रहेगी साइटोप्लाज्म में ही, जिसको हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन। जैसे हमारे बॉडी में बोन्स एक स्केलेटन बनता है जो हमारे बॉडी को एक पर्टिकुलर शेप देता है, उसी तरीके से साइटोस्केलेटन सेल को एक पर्टिकुलर शेप और स्ट्रक्चर देता है। नेक्स्ट, इनके पास क्या प्रेजेंट रहेगा? इनके पास प्रेजेंट रहेगा सेल वॉल, प्लास्टिड्स एंड लार्ज वैक्यूल इन केस ऑफ प्लांट सेल, ठीक है। और अगर मैंने बोल दिया सेंट्रियोल प्रेजेंट है, तो वो किसके केस में होगा? एनिमल सेल, ठीक है। चलो यही से आगे बढ़ते सेल मेम्ब्रेन पे। अब सेल वॉल हर सेल के पास होगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन हर सेल के पास सेल मेम्ब्रेन होगा क्या? तो हमने बोला यस, ठीक है। सेल वॉल इज नॉट कंपल्सरी, बट सेल मेम्ब्रेन इज कंपल्सरी। सेल मेम्ब्रेन यहां तक कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में सेम होता है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। किस चीज से बना है आपका सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन बना होता है लिपिड से, तो ये लिपिड के सैचुरेटेड चेन्स, जिसके ऊपर आपको क्या मिलेगा? फॉस्फरस का हेड, ठीक है। तो ये क्या था? ये था आपके पास फॉस्फेट हेड, जो कैसा होगा? पोलार, मतलब चार्ज, या फिर आप बोल सकते हो हाइड्रोफिलिक, मतलब वाटर लविंग, ठीक है। उसके नीचे ये थोड़ा सा क्लियरली लिख दूं ताकि आपको समझ में आए, सॉरी। उसके नीचे आपको वो जो टेल दिख रहे हैं ना, वो देखो जरा बच्चा कितना टेल है। तो हमने बोला दो, दो टेल होंगे, एक हेड और दो टेल, ठीक है। एक मुंडी है लेकिन दो टेल है।
अब दो टेल में आपको क्या दिखेगा, इस टेल को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन टेल, ठीक है, या फिर लिपिड टेल बोलोगे तो भी चलेगा। कैसा रहेगा, नॉन पोलार एंड हाइड्रोफोबिक, ये ठीक है। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेम्बर, सेल मेम्ब्रेन में हमेशा लिपिड्स के दो लेयर होते, बाई लेयर ऑफ लिपिड, ठीक है। अब ये बाई लेयर ऑफ लिपिड मतलब दो लेयर्स मिलने वाले लिपिड के, तो एक कैसा जाएगा, ये हेड ये टेल, तो दूसरा कैसे होगा, हेड और टेल, ना ना ना, तो फिर कैसे होगा, टेल के सामने आएगा टेल और हेड जाएगा ऐसा, ठीक है। मतलब एक जगह पे हेड आउटर सरफेस को फेस करेगा और एक जगह पे हेड इनर सरफेस को फेस करेगा, तो दोनों भी बाजू एक्वेस सॉल्यूशन था, सेल के अंदर भी सेल के बाहर भी, सेल के अंदर भी हेड फेस करेगा, सेल के बाहर भी हेड फेस करेगा, और बीच में क्या रहेगा, टेल। यहां देखो, यहां गौर से देखो, ये पूरा हेड वाला रीजन जो आउटर सरफेस है और ये पूरा हेड वाला रीजन जो इनर सरफेस है, तो दोनों भी जगह पे आपके पास क्या था, हेड, और सेंटर में क्या रहेगा, हर हेड से निकले हुए दो टेल, हर हेड से निकले हुए दो टेल, सिंपल, दैट इज व्हाट इज प्रेजेंट इन द सेंटर वाला रीजन। अब सेल मेम्ब्रेन के बारे में क्या क्या याद रखोगे देखते हैं, तो ये पूरा इरेज कर देती हूं मैं, ठीक है, ताकि हम अच्छे से पढ़ सके। सबसे पहला पॉइंट, सेल मेम्ब्रेन जो रहेगा उसका डिटेल स्ट्रक्चर हमने कब पढ़ा था और कहाँ पढ़ा था, हमने पढ़ा था 1950s के आसपास, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का नया नया डिस्कवरी सॉरी इन्वेंशन हुआ था। सेल मेम्ब्रेन किस चीज से बना है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, जिसके लिपिड्स में फॉस्फोरस होगा इसलिए उसको फॉस्फोलिपिड बोलते हैं, एंड प्रोटीन्स। अगर आपको चाहिए तो फॉस्फोलिपिड जो सबसे ज्यादा कॉमन होता है सेल मेम्ब्रेन में उसका नाम होगा लेसिथिन, ठीक है। नेक्स्ट, लिपिड के कितने लेयर्स होंगे, दो, इसलिए आपको यहां लिखा है लिपिड इज बाई लेयर, जहां अरेंजमेंट कैसे होगा, पोलार हेड विल बी प्रेजेंट आउटर साइड, ठीक है, दोनों भी बाजू आउटर आउटर साइड, और बीच में क्या प्रेजेंट रहेगा, इनर पार्ट में क्या प्रेजेंट रहेगा, हाइड्रोफोबिक टेल, ठीक है, कितने, वो भी दो। फिर हमने बोला सेल मेम्ब्रेन अगर आप अच्छे से देखोगे तो जो हाइड्रोफोबिक टेल या नॉन पोलार टेल था वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बना था, और उसको आउटर एक्वेस एनवायरमेंट से बचाने के लिए कौन होगा, हेड, ठीक है, सो इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वेस एनवायरमेंट विद द हेल्प ऑफ हेड। नेक्स्ट, प्रोटीन और लिपिड कितना रहेगा एक सेल मेम्ब्रेन में, वो डिपेंड करेगा सेल टू सेल, सेल टू सेल प्रोटीन कंपोनेंट और लिपिड कंपोनेंट चेंज होते रहेगा। बट अगर आप एक ह्यूमन सेल देखते हो, स्पेशली आरबीसी देखते हो, एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, तो उसमें प्रोटीन कंपोनेंट होता है 52% एंड लिपिड कंपोनेंट होता है 40%। कितना प्रोटीन बोला हमने बच्चा लोग, 52, एंड कितना लिपिड बोला, 40%। ऐसा भी बोला जाता है, आप इमेजिन कर लो कि लिपिड जो रहेगा वो सी रहेगा और प्रोटीन्स जो रहेंगे वो उसके आइसबर्ग्स रहेंगे, ठीक है। तो हमने बोल दिया अगर पूरी एक लिपिड की नदी है तो उसमें बीच बीच में जो आइस होता है ना वो होता है हमारा प्रोटीन, ऐसा होता है सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसी सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए निकोलसन एंड सिंगर, यहां इनका नाम मिल जाएगा आपको, निकोलसन एंड सिंगर, इन्होंने हमको क्या बताया था, फ्लूइड मोजैक मॉडल। अब ये फ्लूइड मोजैक मॉडल क्या बोलता है, मोजैक मतलब रैंडम अरेंजमेंट, और फ्लूइड क्योंकि लिपिड काफी फ्लूइड रहेगा, फ्लेक्सिबल रहेगा, फ्लेक्सिबिलिटी रखेगा, ठीक है। अब देखो यहां पर मेम्ब्रेन के जो प्रोटीन्स है उनको हमने दो हिस्सों में क्लासिफाई किया या दो हिस्सों में डिवाइड किया, इंटीग्रल प्रोटीन्स एंड पेरिफेरल प्रोटीन्स। अभी इसका क्या मतलब, तो हमने बोला देखो अगर ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और अगर कोई प्रोटीन है जो यहां प्रेजेंट है, या फिर अगर कोई प्रोटीन है जो यहां प्रेजेंट है, तो इन दोनों भी केस में इसको क्या बोला जाएगा, पेरिफेरल, इररिस्पेक्टिव ऑफ ये अंदर है या बाहर है, ठीक है। लेकिन अगर ये ऊपर ऊपर से अटैच होगा सेल मेम्ब्रेन को तो हम क्या बोलेंगे, पेरिफेरल प्रोटीन। बट अगर कोई प्रोटीन इस तरीके से अरेंज्ड होता, मतलब पूरा पूरा सेल मेम्ब्रेन को कवर करके,
ठीक है, अंदर भी बाहर भी हर जगह से सेल मेम्ब्रेन को कवर किया इसने, तो इसको हम बोलेंगे इंटीग्रल प्रोटीन और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन या फिर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये सिंपल क्लियर। नेक्स्ट, तो देखो हमको क्या दिया, शब्दों में कैसे बयां किया इसको। पेरिफेरल प्रोटीन जो रहेगा वो कहां रहेगा, सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, और इंटीग्रल प्रोटीन कहां रहेगा, या तो आधा दूरा या फिर पूरी तरीके से मेम्ब्रेन में ढसा हुआ फंसा हुआ बीच में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, सो इंटीग्रल प्रोटीन पार्शियली या टोटली बरीड होगा मेम्ब्रेन में, और पेरिफेरल प्रोटीन सिर्फ बाहर बाहर से रहेगा। एक और चीज जो याद रखोगे, ये देख लो अभी यहां पर, इफ यू सी क्लियरली आपको दिखेगा ये है इंटीग्रल प्रोटीन और ये है आपका पेरिफेरल प्रोटीन। जो बाहर बाहर से है वो पेरिफेरल, जो अंदर तक जाएगा वो इंटीग्रल। इंटीग्रल प्रोटीन मेजॉरिटी टाइम्स चैनल या फिर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं, जो किसी भी मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट या चैनलाइज करने में हेल्प करेगा। इसी के साथ साथ आपके लिपिड मेम्ब्रेन से कुछ शुगर मॉलिक्यूल्स भी बाहर आएंगे, जिसको हम बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। आरबीसी के ऊपर के ग्लाइकोलिपिड्स जनरली एंटीजन का काम करते हैं, जो हमको हमारा ब्लड ग्रुप बताता है। कहानी खत्म हुई? नहीं, हमने बोला रुको, सुनो, क्या सुनना जरूरी था, सेल मेम्ब्रेन में और कुछ तो इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अब क्या, तो हमने बोला सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी, जिसको हम बोलते हैं क्वासी फ्लूइड नेचर, मतलब जब चाहिए उस हिसाब से वो बेंड फोल्ड या फिर मूव हो सकते हैं। तो ये क्वासी फ्लूइड नेचर सेल मेम्ब्रेन की कौन से कंपोनेंट की वजह से आपको आता है? सो क्वासी फ्लूइड नेचर इज बिकॉज ऑफ द लिपिड कंपोनेंट। बच्चा लोग याद रखना, प्रोटीन्स ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, दे डोंट मूव शेप चेंज इतना आसानी से नहीं करेंगे। बट कौन है जो इतनी आसानी से अपना शेप चेंज कर सकता था? दैट इज लिपिड। सो लिपिड विल शो यू मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी या फिर क्वासी फ्लूइड स्ट्रक्चर। और तो और ये भी याद रख लो बच्चा, लिपिड जो होते ना ये कम ब्रांचेस होते, फ्यू ब्रांचेस, ओके, फ्यू ब्रांच्ड। एंड क्या प्रेजेंट रहेगा इसमें? तो हमने बोल दिया लिपिड्स विल कंटेन डेफिनेटली एस्टर लिंकेज, दैट विल गिव देम मोर फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, एंड दैट इज द रीजन लिपिड विल बी क्वासी फ्लूइड इन नेचर, बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट, अब बात करें अगर हम सेल वॉल के, तो सेल वॉल एक बहुत ज्यादा धीट रिजिड स्ट्रक्चर होगा, जो अपना शेप नॉर्मली चेंज नहीं करता है। बच्चा लोग वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, अगर आपने एक सेल में से सेल वॉल निकाल दिया, तो जो बचेगा वो सिर्फ जिंदा पार्ट बचेगा, जिसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। बट अगर हमने सेल वॉल रखा है, तो सेल वॉल कैसा कंपोनेंट रहेगा? नॉन लिविंग कंपोनेंट। याद रखोगे बच्चा, पूरा सेल लिविंग होता है एक्सेप्ट सेल वॉल। सेल वॉल बिल्कुल भी लिविंग नहीं होता है, ठीक है। सो हमने क्या बोला, देखो अगर आप एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर को देख रहे हो जिसका नाम है सेल वॉल, तो जी हाँ सही चीज है ये। नेक्स्ट, अगर आप प्लांट्स या फंगाई को देखो, तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर का कवरिंग होता है सेल वॉल, ओके, इट इज आउटर कवरिंग फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंगाई एंड प्लांट्स। नेक्स्ट, वो पर्टिकुलर शेप देता है और प्रोटेक्शन देता है किसी भी सेल को, ताकि उनको कोई डैमेज ना हो या उनके ऊपर कोई इन्फेक्शन ना हो। सेल टू सेल इंटरैक्शन करने के लिए सेल वॉल में कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे, जैसे गैप जंक्शन या फिर अडियरेंस जंक्शन या फिर प्लाज्मोडेस्माटा, ऐसा कुछ, ताकि वो अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए बैरियर बन पाए और डिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स को वहीं पर रोक के रखे। सिंपल। नेक्स्ट, अगर हम देखें एल्गे, एल्गे का सेल वॉल किस चीज से बना था? सेल्यूलोस, क्योंकि ये तो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। उसके साथ गैलेक्टिन्स, मतलब गैलेक्टोस का लंबा सा चेन, मैनन्स, मैनोस का लंबा सा चेन, एंड मिनरल्स। आई रिपीट, सेल्यूलोस, गैलेक्टिन्स, मैनन्स एंड मिनरल्स, एस्पेशली कैल्शियम कार्बोनेट या फिर आयरन। ये क्लियर। नेक्स्ट, फिर हमने बोला अगर प्लांट सेल वॉल देखा, तो सेल्यूलोस तो होगा, ये तो कॉमन है, लेकिन क्या अलग था? हेमीसेल्यूलोस, प्रोटीन्स एंड पेक्टिन्स। हेमीसेल्यूलोस, पेक्टिन एंड प्रोटीन प्लांट सेल वॉल में नहीं मिलेगा, इट्स फाउंड ओनली इन एनिमल सेल वॉल। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट, जो साइटोप्लाज्म से अंदर वाला जो तुम्हारा सबसे पहला सेल वॉल होगा, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी सेल वॉल।
प्राइमरी सेल वॉल के अंदर अगर कोई सेल वॉल बना ले तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी सेल वॉल। ये देखो, अगर समझो ये आपका सेल था और आपने यहां पर अंदर काम किया, काम करने के टाइम आपको रियलाइज हुआ इसको एक और वॉल बना देते हैं ताकि थोड़ा मजबूत हो जाए। सो ये जो आपका था, ये सपोज प्राइमरी सेल वॉल था, ठीक है। अब इसी प्राइमरी सेल वॉल के अंदर वो क्या करेगा, वो और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। तो प्राइमरी सेल वॉल हमेशा बाहर होता है, सेकेंडरी सेल वॉल हमेशा अंदर बनेगा। ये सेकेंडरी सेल वॉल में लिग्निन हो सकता है, पेक्टिन हो सकता है या कोई और चीज भी हो सकती है, ठीक है। लास्ट मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला जो दो सेल को होल्ड करने का काम कर सकता है वो किस चीज से बना है, कैल्शियम पेक्टेट। किन चीजों से बना, इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। ठीक है, नेक्स्ट। फिर हमने बोला यहां पर ट्रांसवर्सली मतलब हॉरिजॉन्टली कनेक्शंस मिलेंगे जिसको हमने नाम दिया प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। ये देखो, प्लांट सेल का सेल वॉल थोड़ा ज्यादा रिजिड है एंड इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोस, पेक्टिन, हेमीसेल्यूलोस, ऐसी चीजों से। एनिमल सेल वॉल का सेल वॉल थोड़ा सा ज्यादा लूज है एंड इट इज मेड अप ऑफ, किस से बना रहेगा, तो हमने बोला एल्गल सेल वॉल जिसका सेल वॉल थोड़ा सा लूज है वो बना होगा गैलेक्टिन्स, मैनन्स, यू नो, देन कमिंग टू सेल्यूलोस, इन्हीं चीजों से बना होगा एल्गे का सेल वॉल। सिंपल, क्लियर। तो इसी के साथ बच्चा लोग आपके लिए एक बेहतरीन सा न्यूज लेके आई हूं मैं, और वो बेहतरीन सा न्यूज ये है कि वेदांतु आपके लिए पक्का एक बहुत बड़ा सा मेगा मॉक टेस्ट लेके आ रहा है। 25 अक्टूबर से शुरू हो चुका है बच्चा लोग, तो फटाफट से एनरोल कर लो अपने आप को। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, द लिंक गोज एज https://vdnt.in/testprep, ठीक है, जहां आपको नीट और JEE दोनों के लिए आपको क्या मिल जाएगा, पॉसिबल इंफॉर्मेशन एंड मॉक टेस्ट। लिंक पे जैसे आप क्लिक करोगे गूगल क्रोम की मदद से, या फिर अगर आप वेदांतु ऐप डाउनलोड करना चाहते हो वो भी चलेगा, फिर आपने उसमें अपनी डिटेल्स भरनी है जैसे कि ईमेल आईडी, फोन नंबर एक्सेट्रा, और इतना होने के बाद, ठीक है, आफ्टर फिलिंग ईमेल आईडी एंड फोन नंबर, आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा जहां आपने क्लिक करना है ऑन एक्सप्लोर, ठीक है। एक्सप्लोर पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन होगा टेस्ट, टेस्ट में जाइए ऑल वाले ऑप्शन पे, और यहां पर आपको मिलेगा अटेम्प्ट नाउ। जैसे आप अटेम्प्ट नाउ करोगे आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा। बच्चा लोग, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, डायग्नोस्टिक टेस्ट में आपको बताया जाएगा कौन से ग्रेड का टेस्ट है और क्या डिफिकल्टी लेवल रहेगा, ठीक है। और इसके साथ बच्चा लोग एक और चीज में बता दूं, वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन जहां पहले ट्रायल 1 मंथ का होता था, 3000 से भी ज्यादा की फीस होती थी, अब वहां ट्रायल कितने टाइम का है, 1 मंथ। लेकिन कैसे, तो हमने बोला द ट्रायल विल गो एज, पहले आपने 15 डेज के पैसे भरने, ठीक है। तो आप कूपन कोड यूज करोगे BM Pro, और BM Pro कूपन कोड यूज करके पहले 15 दिन आपके पेड जाएंगे, उसके बाद आपको 15 डेज एक्स्ट्रा फ्री मिलेगा। तो 1 मंथ के लिए आपकी फीस कितनी जा रही है सोचो, 1000, ओके, 1000, इट हैज टू बी 1530 ओनली फॉर नीट 2022 बैच, और अगर आप ड्रॉपर बैच में हो तो 1800 ओनली। समझ रहे हो, इंडिया के बेस्ट टीचर्स बच्चा दिल्ली, कोटा, मुंबई, हैदराबाद, ऐसे बेहतरीन मेट्रोपॉलिटन सिटी से बेस्ट टीचर्स आपको घर बैठ के पढ़ा रहे हैं, आपके घर के सेफ्टी पे। आप कभी भी रिप्ले देख सकते हो, कभी भी PDF नोट्स देख सकते हो, कभी भी असाइनमेंट सॉल्व कर सकते हो एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम। और अगर आपको डाउट आता है तो 8 AM to 11 PM हमारे डाउट एक्सपर्ट्स आपके साथ रहेंगे टू सॉल्व योर डाउट्स। और क्या चाहिए बच्चा, 1530 में और क्या मिलेगा, समझ रहे हो। और ये सब कुछ, उसके भी ऊपर से आपका जो संडे टू संडे टेस्ट होगा वो, उसका एक्यूरेसी रिपोर्ट, एवरीथिंग वुड बी गिवन टू यू फॉर फ्री, समझ रहे हो। नेक्स्ट, कितने पैसे भरने हैं आपको, 1530 फॉर 15 डे सब्सक्रिप्शन जो 1 मंथ होगा अल्टीमेटली, और 1800 जो 15 डे सब्सक्रिप्शन है लेकिन फॉर रिपीटर बैच, ठीक है। इसी के साथ बच्चा लोग ये देख लो, ये अलग अलग प्लान है। अगर आपको लॉन्ग टर्म प्लान लेना है तो 1 इज लाइट, 2 इज क्लासिक एंड 3 इज प्लस। लाइट की फीस देखो कितनी है, 49,499,
ठीक है, क्लासिक की फीस जो रहेगी वो आपकी जाएगी यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 64,000 तक जाएगी, और ये जाएगी आपकी अराउंड 96-97,000, ठीक है, ये जाएगी आपकी 96-97,000। ये आपकी नॉर्मल फीस स्ट्रक्चर होगी जहां पे 11th, 12th एंड नीट तीनों इंक्लूड होने वाला है एक साथ। इसी के साथ बच्चा लोग मैं आपको ये भी बता दूं, 15 डेज के लिए अगर आप लेते हो तो आपको 15 डेज एब्सोल्युटली फ्री मिल रहा है आगे के, मतलब टोटल 1 मंथ जाएगा जिसमें पहले 15 दिन पेड होंगे, बाद के 15 दिन फ्री होंगे। एंड यू विल गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ ऑन द कोर्स फीस व्हेन यू यूज द कूपन कोड BM Pro, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चा लोग आई रिपीट, 15 डेज के लिए अगर आप नॉर्मल बैच लेते हो, रेगुलर बैच लेते हो, 1530 विल बी द फीस, एंड इफ यू टेक ड्रॉपर बैच 1800 विल बी द फीस। कम वॉट में आपका कूपन कोड रहेगा BM Pro, ठीक है। एंड अगर आप पूरे साल का कोर्स लेते हो, दैट इज लॉन्ग टर्म बैच, तो वेदांतो इंप्रूवमेंट प्रॉमिस भी आपको मिलेगा। वॉट इज दिस VIP? VIP का कहना है, सिंपल सी बात है, अगर आपने 75% अटेंडेंस दिया है, ठीक है, इन द टेस्ट एंड इन द लेक्चर्स, तो आपकी गारंटीड इंप्रूवमेंट की गारंटी हम देते हैं। What is that guarantee? 75% attendance आपकी तरफ से in the lectures and in the test. और उसके सामने हमारी कड़ी मेहनत, हमारे सारे efforts, class teacher, master teacher, doubt expert, सबके efforts, आपके parents के efforts, सबके साथ आपके ये जो marks है उसकी हम guarantee देंगे। Improvement तो पक्का होगा, चाहे school exams हो, चाहे board exams हो, चाहे NEET exams हो, और इसी improvement की promise हमारी तरफ से। अगर आपको, ठीक है, ये देख लो, मैं हाईलाइट कर लेती हूँ ताकि आपको याद रहे, इफ यू सी नो इम्प्रूवमेंट और इम्प्रूवमेंट इज नॉट एज पर योर एक्सपेक्टेशंस, तो हम आपको आपकी कोर्स फी पूरी तरीके से वापस देंगे। लेकिन याद रखना बच्चा, 75% अटेंडेंस इज कंपल्सरी, 75% टेस्ट असाइन भी आपको कंपल्सरीली देना होगा, ठीक है। इसी के साथ बच्चा लोग, ये सारे बेहतरीन स्लाइड्स उषा मैम ने बनाए थे, सो उषा मैम थैंक यू सो मच। बच्चा लोग स्टे ट्यून्ड विद वेदांतु नीट मेड इजी, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू नीट मेड इजी। आज हम 2:30 बजे फिर लाइव आ रहे हैं मेंटी लेके, तो बच्चा लोग जरूर आना मेंटी खेलने के लिए, एकदम तबला तोड़ परफॉर्मेंस देने वाले हम मेंटी में, ठीक है। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय।